नेक्स्ट स्लाइड नंबर थ्री देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वेपोराइजेशन ईएच, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट इज वेपोराइजेशन? सिंपल है, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस और वेपर फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस और वेपर फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर हम एक मोल ऑफ लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, जो भी हीट चेंज होगा, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। या ऐसी भी डेफिनेशन आपको रेफरेंस बुक में, टेक्स्ट बुक में मिलेगी, इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज वेपोराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर वन मोल ऑफ लिक्विड वॉटर इज वेपोराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, देन एंथैल्पी चेंज इज प्लस 40.7 किलो जूल्स पर मोल। मीनिंग क्या होगा बेटा इसका, कि जब एक मोल लिक्विड वॉटर 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर को वेपर फेज में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब? 40.7 किलो जूल पर मोल हीट इज अब्सॉर्ब, एंड हिज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वॉटर इज प्लस 40.7 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियसली वेपोराइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेपोराइजेशन एंथैल्पी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। देन कैन यू गेस नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज? करेक्ट, यू आर देयर। अपोजिट टू वेपोराइजेशन इट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, वेपर इज कंडेंस कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड। चलो डेफिनेशन देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा कंडेंसेशन एच। चलो यहां डेफिनेशन थोड़ी अलग लेते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज कंडेंसेशन ऑफ वन मोल ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉट इज एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज कंडेंसेशन ऑफ वन मोल ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। या सिंपल सी लैंग्वेज में, इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वही वेपोराइजेशन वाला हम रिवर्स करेंगे। H2O 1 मोल इन गैसियस फेज, व्हेन इट चेंजेस इनटू H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज -40.7 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब 1 मोल ऑफ वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर अंडर गिवन कंडीशंस, 40.7 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट, एंड दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन फॉर वाटर वेपर इज -40.7 किलो जूल पर मोल। नाउ रिमेंबर, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। व्हाई? ये हमेशा नेगेटिव होती है, क्यों? कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट इज लिबरेटेड गिवन आउट, सो इट इज नेगेटिव। और ये भी हमें ध्यान में रखना है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। यानी फॉर सेम सब्सटेंस अंडर सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर साइंस आर अपोजिट। ठीक है, एंड देन लास्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज रिलेटेड टू फेज ट्रांजिशन, इट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा सब्लिमेशन एच। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, एंड दिस सबस्क्रिप्ट एस यू बी इंडिकेट्स सब्लिमेशन।
यू नो व्हाट इज सब्लिमेशन? यस, पता है आपको, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस और वेपर फेज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड. अगर कोई सब्सटेंस हीट करने के बाद डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फेज में जाता है, लिक्विड में नहीं ट्रांसफर होता, तो उसे उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है. पता होगा आपको, कुछ एग्जांपल भी आपको मालूम होंगे, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन क्रिस्टल्स, सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl एटसेट्रा. सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, देखिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर्स विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर. एग्जाम्पल, बस यही एग्जाम्पल फॉर बेटर सिंप्लीफिकेशन हम देते हैं. कंसिडर कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ सॉलिड आइस डायरेक्टली इनटू गैसियस फेज. अगर हमने एक मोल ऑफ सॉलिड आइस लिया एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर इसे गैसियस यानी वेपर फेज में स्टीम के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो व्हाट इज एंथैल्पी चेंज? इट इज प्लस 51.08 किलोजूल पर मोल. यानी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्लस 51.08 किलोजूल पर मोल. यानी एक मोल सॉलिड आइस को अगर हमें वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो हाउ मच हीट इज टू बी सप्लाइड? 51.08 किलोजूल हीट इज रिक्वायर्ड. एंड एज सब्लिमेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज एब्सॉर्ब, यू विल फाइंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमेशा कैसी रहेगी? इट इज पॉजिटिव. और एक बात आपको बताओ बेटा, कि एंथैल्पी चेंज इट इज अ स्टेट फंक्शन. चेंज इन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड. एंथैल्पी चेंज सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कौन सा पाथ उसके लिए फॉलो किया इट डजंट मैटर. एंड हिंस वी कैन राइट डेल्टा सब्लिमेशन यानी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन एच प्लस डेल्टा वेपोराइजेशन एच. ये सिंपल सा एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. बिकॉज एंथैल्पी चेंज इट इज डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल फाइनल स्टेट, ये स्टेट फंक्शन होता है एंथैल्पी. और हमें पता है सब्लिमेशन इन्वॉल्व मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन. एंड दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. चलो हम इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल. चलो H2O सॉलिड चेंजेस टू H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, सो इट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड इट्स वैल्यू वी नो प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल. नाउ वन मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड से वेपराइज टू वन मोल ऑफ वाटर इन गैसियस स्टेट अंडर सेम कंडीशंस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज प्लस 45.07 किलोजूल पर मोल. नाउ फर्स्ट प्रोसेस इट इज फ्यूजन, सेकंड प्रोसेस इट इज वेपोराइजेशन. इफ वी एड दीज टू प्रोसेसेस, वॉटर लिक्विड विल बी कैंसल्ड एंड वी गेट H2O सॉलिड गिविंग H2O गैसियस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, दैट इज 51.08 किलोजूल पर मोल. एक बात हमें यहां ध्यान में रखनी है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर में हमने एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 40.7 किलोजूल पर मोल ली थी, लेकिन बेटा दैट वाज एट 100 डिग्री सेल्सियस. यहां हम वही चेंज 0 डिग्री सेल्सियस पे कैरी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड एंड हेंस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन
एट 0 डिग्री सेल्सियस जो 45.07 किलो जूल है। अगर हम दोनों की एडिशन करेंगे तो सब्लिमेशन एंथैल्पी फॉर वाटर हमें मिलेगी 51.08 किलो जूल पर मोल। ओके चलो बेटा, फेस ट्रांजिशन के बाद वी शैल कवर एंथैल्पी चेंजेस फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज देखेंगे। उसमें पहला होगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, डेल्टा आयोनाइजेशन एच। यू नो आयोनाइजेशन इट इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? डेफिनेशन देते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम और आयन इन वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स और आयन्स। व्हाट इज इट? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम और आयन इन वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स और आयन्स। अगर हम एक मोल एटम से आयन्स गैसियस फेज में लेते हैं और उस हर एक एटम और आयन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हर एक से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एक बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी है, कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एप्लीकेबल ओनली टू गैसियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयन्स। ये जो कंसेप्ट है सिर्फ गैसियस एटम्स या आयन्स के लिए एप्लीकेबल होगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगेन एज इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम एटम इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कंसिडर वन मोल ऑफ सोडियम एटम्स इन गैसियस फेज चेंजिंग टू वन मोल ऑफ Na प्लस आयन्स इन गैसियस स्टेट प्लस वन इलेक्ट्रॉन, एंथैल्पी चेंजेस प्लस 496 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल सोडियम एटम्स को अगर हम गैसियस फेज में लेते हैं और हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 496 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड हेंस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। और एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम। वन मोल कैल्शियम इन गैसियस फेज चेंजेस टू वन मोल ऑफ Ca प्लस आयन्स इन गैसियस फेज गिविंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 590 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल कैल्शियम एटम्स इन गैसियस स्टेट में से हर एक एटम से अगर हमें एक एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 590 किलो जूल पर मोल। हियर वी हैव इंडिकेटेड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज डेल्टा आयोनाइजेशन एच वन वन। इट इंडिकेट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सब पार्ट हमने देखा है बेटा 11th में, शुरू में जो हमने चैप्टर लिया था पीरियोडिसिटी इसमें ये पार्ट हुआ है, फिर भी एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। नाउ इफ वी रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनो पॉजिटिव सी ए प्लस आयन्स टू गिव सी ए टू प्लस आयन्स प्लस वन इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे? मोनो पॉजिटिव जो कैल्शियम के आयन्स है हर एक आयन में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। उसके लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 1150 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दिस इज इंडिकेटेड एज डेल्टा आयोनाइजेशन एच टू। टू स्टैंड फॉर सेकंड आयोनाइजेशन। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ मोनो पॉजिटिव गैसियस आयन्स। मोनो पॉजिटिव गैसियस आयन्स से अगर हम और एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर ये वैल्यूज हम देखेंगे तो यू विल फाइंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट। व्हाई? और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन थर्ड, थर्ड इज लेस देन फोर्थ एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज क्या हो जाएगी? दे विल गो ऑन इंक्रीजिंग। हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट और सेकंड में। देखो बेटा, व्हेनेवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम। पहला इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल एटम से रिमूव करते हैं,
कंपेरेटिवली लेस एनर्जी लगेगी. बट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन वी आर रिमूविंग इट फ्रॉम मोनो पॉजिटिव आयन. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं तो वहां वो न्यूट्रल आइटम नहीं रहेगा बल्कि इट चेंजेस टू पॉजिटिव आयन. एंड वी नो पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन इट हैज ऑलवेज स्मॉलर साइज दैन न्यूट्रल आइटम. साइज क्या हो गई? कम हो गई. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियर चार्ज वही रहेंगे बट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. यानी अब मोनो पॉजिटिव आयन में जो इलेक्ट्रॉन शील वैलेंस शेल है दे आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली एंड दैट्स व्हाई सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड हेंस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लार्जर होती है. सेकंड से थर्ड लार्जर होगी, थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन.